अमूमन जब सरकारी स्कूल का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में एक अलग ही तस्वीर आती है, लेकिन आज हम आपको गांव में एक ऐसे सरकारी स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये वाकई सरकारी स्कूल है या कोई कॉन्वेंट स्कूल, क्योंकि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास भी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को ड्रोन चलाना भी सिखाया जाता है। आरती कौन सी क्लास में हो? सेवन। सेवन में। कितने साल हो गए इस स्कूल में? एक साल। एक साल, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? सर प्राइमरी में। दोनों एक जैसे स्कूल थे या ये अलग है कुछ? नहीं था, नहीं सर ये अच्छा है। क्या अच्छा है? सर इसमें स्मार्ट क्लास भी है, प्रयोगशाला भी है सर, मिसाइलें भी हैं, ड्रोन भी है। तो वहाँ पे जब पढ़ते थे चीज समझते थे और यहाँ आप जब पढ़ते हो क्या डिफरेंस लगता है, क्या अंतर लगता है? सर यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगता है सर, वहाँ पे ये सब नहीं था। आपके इस स्कूल में खास क्या है? सर यहाँ पे स्मार्ट टीवी है, ड्रोन है, मिसाइल है और सर लैब है। ड्रोन उड़ते देखा कभी? यस सर। जो पहले वाला स्कूल था वहाँ कैसे पढ़ाई होती थी और यहाँ पे कैसे होती है? सर वहाँ किताबों से थे, यहाँ मतलब जो किताबों से नहीं समझ में आते वो टीवी में हम लोग देख सके पढ़ सकते हैं, और पहले में सर कम समझ में आता था, अब टीवी में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। कौन सी क्लास में आप? एट में। आप अभी चला रहे थे ना बोर्ड? यस सर। पूरा चला लेते हो? यस सर। कितने साल हो गए इस स्कूल में? दो साल। तो जब यहाँ पहले आए थे तब भी ये सब लगा हुआ था? नहीं सर पहले नहीं था, जब हम सेवन में पहुंचे थे तब ये बनना शुरू हो गया था, स्मार्ट क्लास और इसमें ड्रोन भी और मिसाइलें और स्मार्ट बोर्ड टीवी, यहाँ से हम पढ़ते हैं और चलाना भी सीखते हैं। अच्छा टीवी पे पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ गया? टीवी में सर बोल बोल के बताता है और हम उसी से लिखते हैं रुक रुक के, और उसी बोर्ड से हम लिखते हैं प्रश्न उत्तर, उसमें बोर्ड निकाल के लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा ये जो ड्रोन है उड़ते हुए देखे? यस सर। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं सर, ऊपर जाते हैं उड़ते हैं ड्रोन। पहले कभी देखा था ड्रोन इससे पहले? नहीं सर। हुँ? नहीं सर। यहाँ पर एक और अंदर टेलीस्कोप भी है, उससे क्या करते हैं? उससे हम दूर की वस्तुएं पास में देख सकते हैं। सुमित आप बताओ, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं पढ़ाने का जो तरीका है, क्या पहले आपके स्कूल में था? नहीं सर नहीं था। अब हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास भी है और प्रयोगशाला भी है, ड्रोन भी। प्रयोगशाला में क्या क्या है? हमारे प्रयोगशाला में ड्रोन भी है, मिसाइल भी हैं और बहुत वस्तुएं रखा हैं, और उनसे से हम सीख पाते हैं आज कि ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है, उनको भी देखते भी हैं। और हमारे क्लास में स्मार्ट क्लास भी है, उससे चला चला के सीखते हैं, बोल बोल के मंगाते, उसमें लिखते भी हैं प्रश्न उत्तर, उसी से आज मैं सीख पा रहा हूँ। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, स्मार्ट क्लास या अपनी ये प्रयोगशाला? अपनी ये प्रयोगशाला। क्यों अच्छी लगती है? सर इसमें साइंस में ज़्यादा बहुत कुछ देखने को मिलता है, और ये टेलीस्कोप से हमें चंद्रयान एकदम पास दिखाता है, ऐसा लगता है जैसे छू भी लेंगे, और सूर्य भी पास दिखाता है। इतना पास देखा? यस सर। क्या बनना चाहते हो आगे? सर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, चलो मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ाई। यस सर। पहले बिना स्मार्ट क्लास पढ़ते थे अपने पुराने स्कूल में जो प्राइमरी तक था, अब यहाँ पे आप स्मार्ट क्लास में पढ़ते हो, तो क्या फ़र्क है? सर इसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है और उसमें कम समझ में आता था थोड़ा। ऐसा क्यों? ताकि इसमें बोल बोल के समझाते हैं और सही से समझाते हैं और उसमें थोड़ा गड़बड़ होती थी। जो ये स्मार्ट क्लास जब पहली बार देखा आके, पुराने वाले स्कूल में था या नहीं, जो दूसरा प्राइमरी स्कूल में थे आप? यस सर। वहाँ पे था ऐसा? नहीं नहीं, नहीं था। तो यहाँ जब पहली बार देखा तो कैसा लगा? अच्छा। क्या अच्छा लगा? सर यहाँ पे स्मार्ट टीवी भी है और प्रयोगशाला भी है। स्मार्ट टीवी से क्या होता है? सर उसमें बोल के पढ़ाते हैं और ऐसे समझाते हैं, इसलिए इसमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपका नाम? सुभाष। आप बताइए सुभाष। सर हमारे यहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी सामान, खेल की सामान भी रखी हैं। अच्छा रोज स्कूल आते हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहा जाता है कि वो रोज आते ही नहीं। यस सर आते हैं। आप रोज आते हो? यस सर। पहले भी आते थे या ये सब जब से हुआ तब? पहले आते थे, तब आते थे थोड़ा, अब रोज आते हैं। क्यों? जो पहले ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बदलाव आ गया तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे जो आदित्य सर है ना, उन्होंने बहुत सारी सामग्री लाई है, खेल की सामग्री, जैसे हमारे स्पेस लिफ्ट में कैमरे वैमरे सब लगवाए हैं, जब से ज़्यादा अच्छा लगने लग रहा है। अमन ये बताओ कि आपने अभी तक क्या क्या देखा अपने स्कूल में, ड्रोन देखा या नहीं? यस सर ड्रोन मैंने देखा है। हाथ लगाया है नहीं या बस देखा है? लगाया है। उसका रिमोट पकड़ा कभी? नो सर, हिमांशु जो थे उन्होंने मुझे पकड़ाया था। अच्छा। वो सर जी चला रहे थे तो वो लटक गया था पेड़ में।
अच्छा। फिर उसको उतारा गया, फिर उसको दोबारा से कंट्रोल करके चालू किया गया। मज़ा आता है सब? यस सर, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है सर। बहुत मज़ा आता है। यस सर। पढ़ाई और अच्छी होती है सर जी? पहले से ज़्यादा बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है और हमें अच्छा भी लगता है। पहले हम कम कम आते थे स्कूल, अब इस समय हम रोज आते हैं स्कूल, कभी कभी नहीं आते हैं। नहीं तो मुझे नहीं आते तो अफसोस होता है घर में कि आज स्कूल क्यों नहीं गए। क्यों होता है? तो सर यहाँ पे जो सर लोग हैं बढ़िया से पढ़ाते हैं अच्छे से, इसीलिए। यहाँ पर स्कूल के टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आदित्य कुमार जी यहाँ पर हैं जो यहाँ के इंचार्ज टीचर हैं। आदित्य जी जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं ड्रोन और बाकी चीज़ें, बच्चे खुद भी इसको चलाते हैं या सिर्फ आप लोग दिखाते हैं? बच्चे भी इसको चलाते हैं स्वयं, और जो नए बच्चे एडमिशन में अभी आए हैं तो उन्होंने अभी उसके अंदर गए, अपने हाथ से उन्होंने अभी चलाना नहीं सीखा हुआ है। और रेगुलर उनको साप्ताहिक रूप से डिवीजन करके बच्चों को वहाँ पर पहुँचाया जाता है, लैब में जाते हैं और अच्छे ढंग से जो है सब चीज़ों का देखते हैं, उनका नाम जानना चाहते हैं और किस चीज़ का क्या कार्य है वो भी बच्चों को जो है उसमें हम बताते हैं, दिखलाते क्या, हैं। क्या बदलाव बच्चों के आप लेवल में देखते हैं, उनके स्तर में किस तरह का आप बदलाव देखते हैं जब से ये सब प्रैक्टिकली वो चीज़ों को करके देख रहे हैं? हाँ, बच्चे से जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बच्चे यही बताते हैं कि जो चीज़ें हम पहले आप सर समझाते थे, बताते थे कि ये ऐसा होता है, ऐसा मिसाइल ऐसी होती है, तो मिसाइल हम नहीं जान पाते थे मिसाइल कैसी होती है, जो अब यहाँ पर चंद्रयान या मिसाइल के मॉडल रखे हुए हैं अब उनको देख के हम समझ जाते हैं कि मिसाइल ऐसी बनाई जाती होगी, चंद्रयान ऐसे बनाया जाता होगा, उसके इतने पार्ट्स होते हैं, ऊपर भेजने पे कैसे ईंधन की बचत करने के लिए बीच में पार्ट छूटते जाते हैं और हमारी मिसाइल हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो इस तरह बच्चों में ये चीज़ उनके बच्चों द्वारा ही मालूम हो रही कि हमको देख कर हम अच्छे से समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। आप लोग पहले किताबों से पढ़ाते रहे, अब ये बदलाव जो तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, आप लोग एक शिक्षक के तौर पे किस तरह से देखते हैं बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? जी, जैसे ये लैब है उसके माध्यम से तो हमारे साइंस टीचर ने सब बता दिया, और ये जो ये स्मार्ट क्लासेस है इसके माध्यम से हम लोग बच्चों को ना थोड़ा मध्यम श्रेणी से आते हैं तो इनको स्मार्ट क्लासेस देखने से लाइव प्रोग्राम देखने में अच्छा लगता है और इंटरेस्टेड होते हैं, तो बच्चों की जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ती है। जैसे हम लोगों ने यूट्यूब से लगा दिया तो बच्चों को वो माध्यम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम वो लगाइए लाइव दिखता है उससे, जैसे मीना मंच की कहानियाँ हैं तो ये हम लोग इस पर थोड़ा सा दिखता है, ऑडियो से दे सकते हैं, पर वो स्मार्ट में लगा देते हैं तो बच्चों को बड़ा बड़ा पूरा फुल स्क्रीन दिखती है तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी बात भी सुनी, शिक्षकों की बात भी सुनी, क्योंकि एक यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, एक समय वो किताबों से पढ़ाते थे लेकिन आज इन तकनीक का इस्तेमाल करके, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो या प्रयोगशाला, इन्हीं चीज़ों को जब वो प्रैक्टिकली इन बच्चों को समझा रहे तो बच्चों के जो समझने का स्तर है वो बेहतर हुआ है, चीज़ को जल्दी समझ पाते हैं, अपने विषय को जल्दी समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इन बच्चों का विज्ञान जैसे विषयों में रुझान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके साथ इनकी उपस्थिति जो है वो भी स्कूल में बढ़ी है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।